ऐसे ही पकड़ा और ये बाल मेरे हाथ में आ रहे हैं। इनका हेयर पूरा डैमेज हो चुका है, पूरा बर्न हो चुका है। मेरे पास भी ऐसे दो तीन केसेस आ चुके हैं। तो गाइस प्लीज अपने हेयर और अपने एक्सपर्ट को देख के ही काम करवाएं, क्योंकि ये हेयर पूरा खराब हो तो चुका है। गाइस ये देख इससे सकते कभी हैं, ये भी कोई केमिकल टूटने वाला हेयर नहीं। है। और ऐसा हालत तभी होता है जब ओवर प्रोसेस, हम जिसको बोलते हैं ओवर केमिकल ओवर प्रोसेस, टाइम मेंटेन नहीं करने के वजह से ऐसा हो रहा है। तो गाइस आप लोग जब भी अपने हेयर में स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिवॉन्डिंग कुछ भी करवा रहे हैं तो एक्सपर्ट को देख के ही करवाए, अदरवाइज ऐसे हालत होगा आपके हेयर का भी। जो ऐसे तो स्ट्रेट लुक हम सभी को अच्छा ही लगता है, लेकिन उसके करने का तरीका भी होता है। तो जिनके पास अच्छा नॉलेज नहीं है तो उसके बाद ये हाल होता है हेयर का। काफ़ी सारे केसेस मैंने मुझे मिला है ऐसे। तो प्लीज़ अपने एक्सपर्ट को देके ही ऐसे हेयर का वो कराए, अपने हेयर खराब ना करे। अब मैम के हेयर में एक ट्रीटमेंट किया है और उनको कलर भी पसंद था, कलर भी किया है। इनसे भी हम लोग सुनेंगे उनको हमारा सर्विस कैसा लगा। तो हमने इनका ट्रीटमेंट कर लिया था और एक्सटेंशन मैंने लगा लिया था उनके हेयर पे, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आप देख सकते हैं उनका जो बाल था उसमें भी हमने कलर किया, एक्सटेंशन हेयर में भी किया और बिल्कुल मैच करके दिया है। और इनका हेयर अभी देख सकते हैं, और शुरू का हेयर आप उनका देख सकते हैं कैसा था। बिफोर आप लोग देखा आपने उनका हेयर कैसा था, और ये आफ्टर रिजल्ट है, ये हमारा फाइनल।